70 बाल जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची, ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया, ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा, गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए, आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। झारखंड में मौसम का मिजाज चुनाव की तारीखों के साथ बदलता नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के कारण रांची समेत जिले के कई हिस्सों में 25 मई को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। चुनाव और बदलते मौसम को लेकर वोटरों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। चुनावी मौसम के दौर में आसमानी मौसम की भी गजब की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। एक बार फिर मतदान की तारीखों के साथ मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आ रहा है। 25 मई को रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। हमारे साथ राजधानी रांची के लोग हैं, बोल रहे हैं कि ठीक बारिश से पहले मौसम का मिजाज बदलना, क्या लोगों का लोग घर से बाहर निकलेंगे? एकदम माँ से मौसम, माँ से मतदान, जैसा मौसम वैसा मतदान। देखिए, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, उसका असर सीधे रांची में पड़ता है, तो जाहिर है कि रांची आसपास के जिलों में बारिश होगी, तो क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जिम्मेदारी रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों को है? रांची शुरू से देखा जाए तो हमेशा पॉलिटिकली कॉन्शियस जगह रहा है, बराबर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग किए हैं और इस बार 25 तारीख को मतदान है, लोग अपने घर से ज़्यादा लोग निकलेंगे और मतदान करेंगे। और देखा जाए तो इस बार मौसम भी 24 तारीख से चेंज करने वाला है, तो लोगों को खुशी के साथ मतदान करेगा। गर्मी हो या बारिश, भले बारिश हो छाता लेकर भी आना, लेकिन बूथ पर आना। एकदम सही कहा आपने, अगर बारिश भी होती है तो सभी मतदाताओं से हमारा आग्रह है और निवेदन है कि वो भरी बारिश में भी छाता लेकर के आए या बरसाती
पहन करके आए, लेकिन मतदान करने जरूर आए क्योंकि उनका एक एक मत जो है वो हमारे लिए कीमती है। चलिए कहते बारिश की बूंदे भी कीमती हैं, मौसम के मिजाज वही बदलती हैं और एक वोट से बहुत कुछ होता भी। अगर बारिश भी होती है तो सभी मतदाताओं से हमारा आग्रह है और निवेदन है कि वो भरी बारिश में भी छाता लेकर के आए या बरसाती पहन करके आए, लेकिन मतदान करने जरूर आए क्योंकि उनका एक एक मत जो है वो हमारे लिए कीमती है। हाँ, ये 5 साल पर मौका मिलता है लोगों को और ये इसे चूकना नहीं चाहिए, ये चाहे मौसम जो भी हो ये आते जाते रहे। चूकना नहीं, चूकना तो एकदम बिल्कुल नहीं चाहिए। मतदान अपना मतदान है, इसको जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। देखिए रांची के लोग चुनाव को महापर्व की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए यहाँ का टारगेट जो है लेके लोगों में 75 से एबव चला है और उम्मीद है। झारखंड में मतदान की तारीखों के साथ मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आ रहा है। 24 को बारिश का पूर्वानुमान बताया गया, लेकिन रांची के लोग कह रहे हैं जो वोट करेंगे रांची में वो बता रहे हैं कि बारिश हो या गर्मी हो हम तो मतदान करने बूथ पर जरूर पहुंचेंगे। संजय कुमार सिन्हा, News18 रांची। ब्रेक के लिए जो काम 10 वर्षों में हुआ है अब उसे काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली
विकृत मानसिकता पर।